टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने के बाद से ही लगातार नुपुर शर्मा को धमकियां मिल रही हैं, जिसकी जानकारी खुद नुपुर ने ट्वीट करके दी थी। जिसके बाद मामले में एक्शन लेते हुए दिल्ली पुलिस ने बीते दिनों FIR दर्ज कर ली। उधर पुलिस की माने तो मामले में जांच शुरू कर दी गई है और आरोपी का पता लगाया जा रहा है। बता दें, विवादित बयान देने के चलते बीजेपी की ओर से नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। नुपुर के साथ ही बीजेपी की ओर से मीडिया प्रभारी नवीन जिंदल को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। दोनों को निलंबित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह का कहना था कि बीजेपी सभी धर्मों का सम्मान करने वाली पार्टी है, लिहाजा इसीलिए पार्टी की ओर से ऐसे बयान देने पर नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए निलंबित किया जा रहा है। हालांकि पार्टी की ओर से कार्रवाई के बाद ही नुपुर शर्मा ने बाकायदा बयान जारी कर माफी मांगी थी और ट्वीट करते हुए लिखा था, मैं पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट में हिस्सा ले रही हूं, जहां मेरे आराध्य भगवान शिव का अपमान किया जा रहा था। मेरे सामने कहा गया था कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा है जो दिल्ली के हर फुटपाथ पर पाया जा सकता है और किसी को जाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। मैं भगवान शिव के खिलाफ बार बार किए गए अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकी और मैंने गुस्से में कुछ बातें कही। अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के इस टिप्पणी पर कतर, कुवैत और ईरान ने भारतीय राजदूतों को तलब कर विरोध जताया है। कतर, कुवैत ने भारत सरकार से इस बयान पर माफी मांगने को कहा है। वहीं सऊदी अरब ने भी इस बयान पर एतराज जताया है। इस बीच 57 मुस्लिम देशों के इस्लामिक सहयोग संगठन ने भी इस बयान की निंदा की है।